हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई आपको पता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो अगर किसी चीज पर गिर जाए तो उसका कलर उड़ा देता है, ब्लीच कर देता है। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में। यहां पर हमारे पास में लगभग सारी कोल्ड ड्रिंक जो कि मार्केट में मिलती है, ड्यू है हमारे पास में, पेप्सी है, मिरिंडा है, स्टिंग करके एक ड्रिंक आती है, फ्रूटी है और फीस है। सभी का अलग अलग कलर होता है। देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर डाल करके इसका जो फाइनल कलर है वो कैसा होता है, क्योंकि भाई ये चीज जो है ये कलर उड़ा देती है। तो फाइनल रिजल्ट देखेंगे हम। और आप लोग दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर हमने 6 ग्लासेस ले लिए 6 कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई पेप्सी के साथ में, और इन सभी को डालते हैं ग्लासेस में। और यार ड्यू का कलर देखो, इसको उड़ाने में भी बहुत मजा आएगा। मिरिंडा का आपको पता ही है, ये है भाई फिज, और इसमें बहुत ज्यादा फिज निकल रहा है। और यार कलर तो इसका है, क्या बात है, इसका कलर देखो कितना तगड़ा लग रहा है। दोस्तों सभी कोल्ड ड्रिंक्स का कलर देखिए आप लोग, यार एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो अब इसमें डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ी हवा चल रही है तो भाई मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। शुरुआत करते हैं इधर से, फ्रूटी से ही, और सभी में एक एक चम्मच डाल देते हैं। ये है भाई ड्यू, और अब लास्ट में बचा हमारे पास में पेप्सी, तो इसमें भी डाल लेते हैं ब्लीचिंग। और भाई अलग अलग चम्मच का ही यूज़ कर लेते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। और अब इनको जो है मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, फ्रूटी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और इसका कलर आप देखो कि कितना जल्दी चेंज हो चुका है, इसको दिखाओ। ये है भाई स्टिंग, जो कि रेड कलर की थी, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी ये। तो इसका जो कलर है वो उतना डिफरेंट नहीं हुआ है अभी तक, मे बी ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर है हमारी, ये कौन सी थी भाई, ये तो ऑलरेडी उड़ चुका फिज था ये ना, ये एपे फिज था, तो इसका तो बहुत ही जल्दी कलर उड़ गया। ये है भाई हमारी मिरिंडा, इसमें आने वाला है मज़ा। और देखो 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 यार ब्लीचिंग पाउडर देखो क्या चीज़ है, ऑरेंज से इसको कलरलेस बना दिया इसने एकदम। इसमें देखो सबसे ज्यादा ही मजा आता है, बिल्कुल क्लीन कर दिया, ऑरेंज तो कहीं नामो निशानी है। और जो माउंटेन ड्यू है हमारा, ड्यू था इसमें शायद, उसका तो कोई मतलब देखो नामो निशान ऑलरेडी ही नहीं है। ओए होए ड्यू भी एकदम गया। और अब है सबसे इंटरेस्टिंग जो कि है पेप्सी, और भाई साहब पेप्सी का काला कलर यहाँ हो चुका है कम काला। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 कोल्ड ड्रिंक्स एकदम साफ हो गई है, ये और ये, और जो हमारी पेप्सी थी वो भी काफ़ी हद तक हो गई है, ये ब्लैक थी लेकिन अब ये दूध जैसी हो गई है, हल्की सी ब्राउन है। थोड़ा और इसमें ब्लीचिंग डालें या थोड़ा और टाइम के लिए छोड़े तो ये साफ हो सकती है। और भाई बहुत तेज बारिश या फिर हवा से आने लगी है, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है कुल मिलाकर के वो स्टिंग को छोड़कर सभी को ब्लीच कर देता है। तो भाई अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, तो भाई हमको भागना पड़ा नीचे क्योंकि बारिश आ गई बहुत तेज। और जितनी देर में हम नीचे आए, लाइट्स लगाई, लगभग 10 मिनट हुई है। आप लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का हाल देखो अभी, उस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक्स में थोड़ा कलर था बट इनको सफिशियंट टाइम देने की जरूरत थी। और अब आप लोग देखो कि सभी का कलर उड़ गया है, सेम उसी ऑर्डर में ये रखी हुई है, और खासकर जो स्टिंग है जो रेड कलर की थी अब वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसका कलर जो है ना वो एक झटके में एकदम से ही उड़ गया था। और यहाँ पर एक चीज और देखो कि इन सभी के नीचे देखो कुछ कुछ जमा हुआ है, स्टिंग में तो बहुत ज्यादा जमा है, देखो लगभग इतना जमा है। इसमें ये कौन सा था भाई, ये था फ्रूटी, फ्रूटी। अब देखो मेरे पहचान में नहीं आ रही कौन सी कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, जो फ्रूटी है ना उसके ऊपर कुछ जम गया है। इसमें देखो ये क्या चीज बन गई है, ये दही है, व्हाटएवर इट इज, मतलब अजीब सी ही चीज बन गई जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसके नीचे जमा है यही चीज, देखो गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, यहाँ पर भाई एकदम कम जमा है। आप खुद ही देखो कैसे समझ में आएगा कौन सी है। एक यहाँ पर थोड़ा सा जो झेल पाया है वो हमारा पेप्सी। आप लोग देखोगे जो पेप्सी है ना उसका कलर थोड़ा सा मतलब कि डार्क रह गया, बट यार ये एकदम काली थी और इतना होना भी इसके लिए काफी है, ऑलमोस्ट अब ये भी वाइट ही हो चुका है, तो आप देख सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता यहाँ पर ये है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसकी वजह से इनका कलर उड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो महाकाल की दया से
महाकाल के आशीर्वाद से जल्दी से दबा करके लाइक शेयर ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।